बहुत प्यारा मौसम हो रहा है बाहर, बहुत ही प्यारा, देख सकते हो आप बारिश कैसी हो रही है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। देखो एक तो उसको बनवाने वाला उसने ये भी करा, दिल्ली का एक मैप बनाया था प्रॉपर, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, टाइम में वॉइस में उतरे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे, पुराना सुप्रीम कोर्ट भी है। तो गाइस हाल है, आज हम जा रहे हैं दिल्ली घूमने, लाल किला और कुतुब मीनार। और गाइस अभी जो स्टार्टिंग में आपने देखा है उस मनहूस चेहरे को आपको देखना पड़ा, उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। अभी हम निकल चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से उत्तर प्रदेश UP20। अभी हमारे पास है महिंद्र थार, फैसल भाई हमारे आज अपनी बागडोर से मालते हुए महिंद्र थार की सीट पे। अभी बज रहे हैं रात के 10 नहीं 11। सबसे पहला प्लान हमारा है दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाने के बाद हम सबसे पहले दिल्ली में घूमेंगे रात में। रात में कहाँ कहाँ जाएंगे, हम सीपी जाएंगे, न्यू दिल्ली का कुछ एरिया है वो कवर अप करेंगे। हाँ फैसल भाई, हाँ जी, और क्या है, न्यू दिल्ली जाएंगे, सीपी जाएंगे और साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली। कुल मिला के गाइस आज का प्लान यही है कि नाइट आउट है बिजनौर साउथ दिल्ली का। गुड़गांव जाएंगे जब जब भी आशु भाई तिल डालेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं इनको गुड़गांव भी घुमा के लाऊंगा। आशु भाई अगली बात बताएंगे आपको, आशु भाई प्लीज। देखो भाई हम बिजनौर से निकल चुके हैं, अब हम पहले जाते चाय पी के बैराज रोड पे, उसके बाद जाके हम दिल्ली सीधा। दिल्ली में जो है ना रात को करना एंजॉय बिल्कुल एकदम। और भाई क्या कहते हैं इसको, फाइव बजे बस हम ना बता रहे, आप रे बोलो खत्म होगा इनका डायलॉग। मैं बताऊं देखो सही बात क्या है, इनके पास होगा डायलॉग खत्म, अब मुझसे सुनो तुम अगली बार। इनका कहना ये है ना दिल्ली पूरे दिन घुमाओ, पूरी रात घुमाओ, इन्हें जाम मस्जिद फुल्की खिलवाओ, इन्हें चांदनी चौक की बिरयानी खिलवाओ, इन्हें चावड़ी बाजार से चावल दिलवाओ। लेट्स गो। तो ये गाइस बिजनौर से निकलते, देखो हमारा स्वागत किस तरीके से हुआ है। हम निकले और बारिश ना पड़े ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब दिल्ली तक अगर ऐसी मौसम रहा ना तो उद्धम काट देंगे, उद्धम क्या काट देंगे फैसल भाई, उद्धम उद्धम बारिश हो रही है, मतलब जो साउंड है ना इसकी पानी की गाड़ी पे गिरने की वो अलग ही आ रही है। बिल्कुल भाई गाड़ी अब धुल गई, गाड़ी हम गाड़ी धुलवाने के लिए सोच रहे थे 300 रुपए लग रहे थे, फिर हमें पता चला कि दिल्ली में बारिश पड़ रही है, वहाँ चलते हैं। हमने 5000 रुपए का तेल डला लिया, 300 रुपए की गाड़ी धुलवाई, हम दिल्ली आए गाड़ी धुलवाने के लिए बारिश। और अभी हम मेरठ क्रॉस कर रहे हैं जस्ट, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है बाहर, बहुत ही प्यारा, देख सकते हो आप बारिश कैसी हो रही है, बहुत खतरनाक बारिश है गाइस, बहुत मजा आ रहा है घूमने का। Even if we get caught in the rain, mohabbat barsa dena tu saawan aaya hai. Guys, रात के 2:19 हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं दिल्ली में पश्चिम विहार, 2:19। I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own. गाइज हम पहुंच चुके हैं करोल बाग, क्रॉस कर लिया है बल्कि, और अब हम जा रहे हैं सीपी। अभी देखते हैं सीपी कैसा लगेगा रात में, उजड़ा हुआ चमन, ये खिलता हुआ बुलबुला। रात के 3 बजे सीपी का आनंद लेते हुए, कोई नहीं है यहाँ पे। देखो गाइज हम दिल्ली आ चुके हैं और सीपी का आनंद लो, सीपी सीपी। तो गाइज हम आ चुके हैं सीपी, मैडम दिल्ली में अब डला रहे, हाँ हाँ डाल दो, डलाएंगे पेट्रोल 3000 रुपए का, 3010 का करा है ना। और अभी हो रहा है रात के 3:58 हो गया हमारा 3010 रुपए का। तो गाइस पेट्रोल डलवाने के बाद हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन नाश्ता पानी करने, जैसे वो अच्छा है जैसा वो आपका फैन बंद खारी पापे खारी कुछ इस तरीके का। कितना टाइम लगेगा, 15-20 मिनट। ये नई दिल्ली की सबसे स्पेशल दुकान है ये वाली, इंडिया स्पेशल चाय मिलती है, बहुत फेमस दुकान है। तो गाइस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, अंकल कितने साल पुरानी दुकान है आपकी, आपकी दुकान को कितने साल हो गए,
40 साल पुरानी दुकान है। राजू भाई चाय वाले, राजू भाई चाय वाले न्यू दिल्ली रेलवे के सामने, ये रहा पीछे। बॉयज के लिए गाइस चाय आ गई है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के गाइस सामने। चाय खतरनाक वाली है, इसमें गांजा क्या मिला हुआ। गाइस चाय इतनी है जितनी पीसो को पी लो, बाकी से मुंह धो लो। ये चाय जी सर हम पी रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये बहुत फेमस चाय वाला है राजू चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम, चाय दे दीजिए हमारी। 40 साल पुरानी दुकान है इनकी। पापे फैन नहीं लगे? पापे फैन बुल्ला का छोरा पे बैठा दिखे। हाँ हाँ मिलेंगे, क्या चाहिए? क्या खाओगे? पापा खाओगे, फैन खाओगे? आलू पराठा। आलू पराठा मिलता बैठे यहाँ। यो बंदा क्यों कह रहा कि यार तुम लाल डिब्बा लेके गए थे, तुमने तो भूखा मार दिया 11 बजे खिलवाया। यो आदमी जो अंडा सटका था ना वो भूल गया। मेरा भी खा गए थे अंडा, 4:30-4:45 बजे ब्लॉग में भी है अंडा खिलवाया था, डकार मार के जिकन नहीं करा। अरे मेरा भी खा गए थे। ऐसा आदमी खाया था अंडा नहीं खाया ना, इसको दिखाओ। मेरा भी खा गए थे, मेरा वाला भी। भाई खिला था भाई, फैन खाओ, फैन ले लो, फैन में अच्छे लगे गिरते। तुम फैन खाने जा रहे हैं चाय के साथ, अगर आपको खाने हैं तो आप लाइक करें और लाइक करें, लाइक करें मतलब कमेंट करें। समझा के लिए अप लाइक करें। अरे यार आ गए गाइस फैन, अब हो गया खा के बेचैन। बहादुर शाह जफर महल, बहादुर शाह ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है। तब की थोड़ी है मस्जिद। तो फैज भाई ये जो एरिया चल रहा ना अभी न्यू दिल्ली का, अच्छा तो ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं है सबसे पहले। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो बनाया गया था ना, डिजाइन किया गया था, ये न्यू दिल्ली बोलते हैं इसको। तो जब शाहजहां ने दिल्ली बसाई थी ना, तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया था, जिसे कहते हैं पुरानी दिल्ली। हाँ जी, तो बहुत कंजेस्टेड एरिया बनाया था, पतली पतली गली है, छोटी छोटी गली है। तो जो म्यूटिनी होती थी ना इनकी, जो अंग्रेजों की और इनकी लड़ाई हुई थी शहनशाहों की, तो उसमें इनको बहुत दिक्कत होती थी अंग्रेजों को लड़ने में। और जो इनका काफिला निकलता था ना, कारवा बोल दो कि काफिला बोल दो, तो वो बहुत कंजेस्टेड रहता था। बाजार रहते थे, चांदनी बाजार, चावड़ी बाजार, छोटी छोटी मार्केट होती थी, तो इसको निकलने में दिक्कत होती थी। अंग्रेजों की चीजें पसंद नहीं आई थी। अंग्रेजों ने कहा था कि हम ना एक नई जगह सेलेक्ट करेंगे, तो इन्होंने फिर पुरानी दिल्ली के पास नई दिल्ली बनाई थी। फिर जिसके अंदर इन्होंने राष्ट्रपति भवन बनाया, इंडिया गेट बनाया, ये चीजें डिजाइन करी। अब इसके अंदर तुम्हें एक भी रेजिडेंशियल घर नहीं मिलने का, क्योंकि ये सारा ऑफिशियल बनाया गया था उस जमाने में अंग्रेजों के द्वारा। हाँ 1910 के आसपास, 1910 या 1914 के आसपास की बात है। तो यहाँ पे तुम्हें पता क्या मिलेगा? या तो MPML के घर मिल जाएंगे, जाके देख लो तुम, इधर चले जाओ, सारे गवर्नमेंट के मिलेंगे टोटल, या गवर्नमेंट के ऑफिस मिलेंगे। जैसे देखो इंजीनियर भवन है सामने, ये रहा ICAI वाला। जो दिल्ली है ना, जो दिल्ली का अदर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ओखला है, ये एरिया है, ये मिलेंगे तुम्हें रेसिडेंट। यहाँ तुम्हें PM हाउस मिल जाएगा, PM ऑफिस मिल जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति भवन मिल जाएगा, CM ऑफिस मिलेगा। इसको डिजाइन करने वाला था ल्यूटन्स, इसलिए बोलते हैं ल्यूटन्स की दिल्ली। नई दिल्ली काफी बड़ा है, नई दिल्ली में ही तो आता है ये हमारा पंजाब बाग सब नई दिल्ली में आता है। फैसल भाई नई दिल्ली जो डिजाइन करी गई थी ना, ये पूरी प्लान सिटी है। जो प्लान सिटी होती है ना, उसको डिजाइन करके बनाया जाता है। एक चीज और है भाई, नई दिल्ली में रेजिडेंस तो है ना, क्योंकि जो हमारा पंजाब बाग है, ये इंदर लोक है, ये वाली बेल्ट हो गई, पूरी नई दिल्ली कहलाती है। अब मैं आपको देखो एक बात बताऊं, ये ओल्ड दिल्ली ये कहलाती है, साउथ दिल्ली वो कहलाती है। अब मैं उसके भी बात बताता हूँ आपको, साकेत साइड। जैसे हमारे बिजनौर में ना नगर पालिका एक्सटेंड कर रखी ना, जैसे गांव ले लिए बाहर वाले, गड़ी गांव ले लिया, तो है तो गांव ना वो प्रॉपर, है ना, सिविल लाइन तो नहीं है बिजनौर वाली, सेम सिस्टम है, खाली अपनी सीमाएं बढ़ा रखी सरकार ने। अगर देखो ना अकॉर्डिंगली देखो तो ये रेसिडेंशियल नहीं एरिया न्यू दिल्ली का, बिल्कुल सीमित जो जगह है। ये चार कोने जो अभी हमने गिने ने पीछे, ये चार कोने, इसको बोलते हैं रायसीना हिल्स, पहाड़ी पे बना हुआ है। जब कभी राष्ट्रपति भवन जाओगे ना, अभी चल रहा है बल्कि राष्ट्रपति भवन फैसल भाई, अभी तो पहले इंडिया गेट जा रहा है ना, इंडिया गेट के बाद ही तो पड़ता है भाई, बगल बगल ही है। तो रायसीना हिल्स वहाँ पे ना देखो, ऑब्जर्व करना ऐसे जा रहा है थोड़ा सा, तो रायसीना हिल्स ये है न्यू दिल्ली जो पूरा बसा हुआ है। इंडिया गेट के फैक्ट्स बताऊंगा मैं अभी, इंडिया गेट के नाम लिखी हुई यार, हाँ शहीद हो गए, जो शहीद हो गए ना, नाम राजपथ की जगह वो कहते रहे किंग्स वे, इंग्लिश में द किंग्स वे। तो ये किंग्स वे है एक तरीके से, ये वाला नहीं जो राष्ट्रपति के भवन के सामने वाला एरिया, अभी चलेंगे ना वो दिखाऊंगा। देखो कौन सा अपना इंडिया गेट, देख रहे हो कितने अच्छी मॉर्निंग लग रही है, सनराइज होने वाला है 15-20 मिनट के बाद। हाँ तो बताओ भाई। तो फहद भाई जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ दिल्ली आया था, तो मैं इंडिया गेट घूमने आया, यहाँ पर यहाँ सामने ना एक वो होता है मतलब पानी का फाउंटेन, हाँ यहाँ पर सामने वहाँ पे मतलब हम चले गए वहाँ पर, हमने जाके नहाया वहाँ पर जाके, इतना मजा आया बहुत ज्यादा भाई, चिड़ पानी रहता एकदम। चलो ये तो हो गया आपको फन, अब ये बताओ इसके बनने की हिस्ट्री क्या थी? ये हिस्ट्री तो कुछ पता नहीं इसका भाई, हिस्ट्री में बताओ। देखो एक तो इसको बनवाने वाला जो था ना, अभी मैंने बताया ना, एडमिन जी उसने ये भी करा,
जी, उसने पूरा दिल्ली का एक मैप बनाया था प्रॉपर जी, जी। मैप बनाने के बाद पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करा था जी, राष्ट्रपति भवन जी, इंडिया गेट जी, दिल्ली की जो कॉलोनीज बनाई है ये न्यू दिल्ली की, ठीक है, जो क्वार्टर्स बने थे उस टाइम में वॉइस राय होते थे, वॉइस राय मतलब जो आज राष्ट्रपति है ना जी, उस टाइम में वॉइस राय बोलते थे, उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे, जो उसमें बैठा करते थे बंगाल में, बंगाल में हाँ पहले 1857 के बाद तक बैठी है उसमें बंगाल कलकत्ता जहाँ फैसल भाई आप गए थे, वहाँ पुराना सुप्रीम कोर्ट भी है, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया का सबसे पुराना सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में है, पहला ही वही है, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट वही। अब उसके बाद उन्होंने ये डिजाइन करा इंडिया गेट डिजाइन करने के बाद, सुनो सुप्रीम कोर्ट भी उसने डिजाइन करा, ये पूरा सेटअप तैयार करके फिर दिल्ली हाथ में दी थी, बनाई कहाँ थी रायसन हिल्स पे जी, जी। अब इसको जो नाम लिखे हैं वो किसके हैं, जो ये पूछना चाह रहे थे जी, जी, जो हाँ। इंडियन ट्रूप्स है ना जी, जी, भारतीय सैनिक जी, जी। जो अफगान वॉर में जी, शहीद हो गए थे, शहीद हो गए थे, और वर्ल्ड वॉर वन में जो शहीद हुए थे, वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था, जब हम लोग मतलब हम लोग इन द सेंस जो इंडिया था ना ये कॉलोनी होता था ब्रिटिशर्स का, तो ब्रिटिशर्स ने इनको लालच दे के तुम हमें हमारा सहयोग करो वर्ल्ड वॉर में, हम देखेंगे तुम्हारे लिए कुछ बेटर करेंगे, लोगों को ना बुलाया गया था, एक एक गांव से 10-20 हज़ार लोग गए थे लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर वन में, तो जो लोग शहीद हो गए थे उनका नाम फिर यहाँ लिखे थे, जो अमर जवान ज्योति जलता है ना वो उन्हीं के उसके लिए जलता है, शांति के लिए उनके, समझ गया ना, तो ये है इसका तात्पर्य इंडिया गेट का। और ये बना कब था, जब वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे वाइस रॉय इंडिया के, उनके बाद आए थे लॉर्ड माउंट बेटन, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सामने महात्मा गांधी के सामने देश को आजाद किया था 1947 में, समझ गया। पुराना किला इधर से ही है, लिखा भी होगा। तो गाइस अभी हम लोग चलेंगे पुराना किला, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पुराना किला की बताऊंगा मैं आज, असल में बात ये है पढ़ता रहता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा इन चीजों के बारे में। तो गाइस हम आ चुके हैं जू एंड पुराना किला दोनों, ये जू का बोर्ड लगा हुआ है, जू के लिए हम वहाँ से राइट हो जाते हैं, और वो सामने पुराना किला जो दिख रहा है, अभी देखेंगे कहाँ तक गाड़ी जा सकती है। चलो फैसल भाई, ये की फोटो है मेरी बहुत पुरानी 2014 की, देखो ये तो है जू इधर राइट में, ये रास्ता तो है जू का, देख लो भाई आशु भाई ये जू का रास्ता है, पहले गेट नहीं था यहाँ पे, गेट लगा दिया। हाँ ये पुराना किला है सामने, इस पुराने किले का ही बहुत प्यारा इतिहास है। फैसल भाई गए हो कभी पुराना किला? ना। ओह यहाँ भी गेट लग गया क्या? गेट नहीं था पहले, गेट नहीं था, बहुत टाइम बाद आया भाई, मैं 8-9 साल के बाद आ रहा हूँ। तो फैसल भाई इस पुराने किले का इतिहास बताता हूँ, जो पहले मुगल बादशाह थे ना बाबर, तो बाबर के जो बेटे थे हुमायूं, जब बाबर के डेथ के बाद हुमायूं ने ये किला बनाया था पुराना किला, जैसा लाल किला है ना, ये किला लाल किला बनने से भी कम से कम 100 साल से पहले बना हुआ है ये। हाँ लाल किला जो बनाया था ना वो शाहजहां ने बनाया था, शाहजहां आप लगा लो, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, तो ये जो किला था ना ये बनाया था हुमायूं ने, मगर शेरशाह सूरी ने ये जो था ना हुमायूं इसको हरा दिया था, और हुमायूं की ही इसमें डेथ हुई थी, अंदर लाइब्रेरी बना रखी थी हुमायूं ने अपनी किताबें पढ़ने के लिए, तो उसकी सीढ़ियों से गिर के मरा था हुमायूं यहाँ। तो हुमायूं ने 6-7 साल ही राज कराया, उसके बाद ही वापस अफगानिस्तान चले गए थे, अफगानिस्तान जाने के बाद तो जो हुमायूं का कमांडर था ना बैरम खान, तो बैरम खान की हेल्प से ही ने दोबारा से इंडिया में आके लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद फिर दोबारा कब्जा करा था यहाँ भारत में। फिर अकबर ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो बनाई थी आगरा, आगरा का जो रेड फोर्ट बनाया था अकबर ने ताजमहल के सामने। हाँ ताजमहल के सामने पुराना लाल किला है, तो इसके बाद ही वहाँ शिफ्ट हो गए थे। और अकबर ऐसा बादशाह है जिसने 14 साल की उम्र में आधे भारत को फतेह हासिल करी थी। अकबर ने बहुत सारे अकबर ने वो चलाए थे, वो चलाया था दीन इलाही, तो ये इसका इतिहास है भाई, ये बहुत प्यारा अंदर से, कभी जब दिन में आएंगे ना भाई देख पाएंगे एक बार। तो गाइज हम पुराना किला देख के भी निकल चुके हैं, अंदर तो जा नहीं सकते, इतनी सुबह कौन खोल देगा हमारे लिए, 5 बज रहे हैं अभी, तो 5:14, बट अगर फिर कभी आना होगा दिल्ली तो हमारा आना जाना लगा रहता है, कभी ना कभी ये सारी चीजें अंदर से कवर अप करेंगे।